अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे जहाँ पे भी रहे। इस बहुत प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज़। मज़ेदार सा ठंडा ठंडा से मैंगो की हमने बनाई, बड़ी ठंडी और मज़ेदार सी मैंगो डिजर्ट, जिसको बनाना निहायत आसान है, ना जेलेटिन, ना बेकिंग, ना कुछ भी नहीं, और ये मज़ेदार सा मीठा तैयार हो जाएगा। जानने के लिए किस तरह से तैयार किए गए चले किचन क्लोजर में, वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे बड़ा मजेदार सा मीठा सा मैंगो डिजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए होगी वो है साबुदाना। गरम गरम पानी के अंदर ये साबुदाना 1 कप डाल देंगे। पानी मैंने लिया था 2 गिलास। अब इसे पकने देते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो। चले, एक तरफ तो हमारा साबुदाना तैयार हो रहा है, ये देखिए अभी कच्चा है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो बिल्कुल ये कुक हो जाएगा। तो दूसरी तरफ हमने क्या करना है, चलिए ट्रांसपेरेंट सी हमने डिश ले लिया, उसके अंदर गरम गरम पानी डाल देंगे 1 कप के लगभग। गरम गरम पानी में ये मैंने एक जेली का पैकेट लिया था, रफान जेली मैंगो फ्लेवर में, ये इसको डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह करके, इसे मिक्स कर देने के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे कि जेली हमारी अच्छे से जम जाए। आम लिए थे इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, अब हमने इसकी ये टॉप इस तरह करके काट के अब हमने इसको क्यूब्स में इसकी कटिंग कर दी। दूसरा बाउल ले लिया है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे क्रीम डाल देंगे 1/2 कप। 4 कप इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। चले, अब इन दोनों चीजों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है आपस में। साबुदाना हमारा पक गया था, उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में निकाल के इसका जितना पानी था सब फेंक दिया था, फिर इसको खूब ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब साबुदाना हमारा कुछ इस शेप का आ गया, अब हम ये सारा साबुदाना ठंडा होने के बाद इस बैटर में डाल देंगे। कोकोनट पल्प लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे, कोकोनट के चंक्स जिसको कहते हैं ये डाल देंगे इसके अंदर। इसके साथ साथ जो आम हमने काटे हुए थे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। पहले तो फिर इन सब चीजों को हम आपस में अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। डिजर्ट को हमने एक ट्रांसपेरेंट बाउल्स ले लिए, उसके अंदर इसको डाल देंगे। बहुत मज़ेदार सा ये डिजर्ट बनता है और इतना बनाना इसको निहायत ही आसान है, ना बेक करिए आप, ना जेलेटिन, ना कोई चीज़, और ये बहुत टेस्टफुल और हेल्दी होता है। चलिए, ये पहले हमने थोड़ा सा ही डाल दिया, अब जो हमने जेली जमाई हुई थी ये देखिए जेली, ये देखिए हमने फुल नहीं जमा लेनी, हल्की सी ठंडी हो जाए जेली, इसका टेक्स्चर कुछ इस तरह से आए वो हम जेली इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए, ये थोड़ी सी हमने इसके ऊपर इस तरह करके डाल दी, बड़ी मज़ेदार सी जेली लगेगी इसके ऊपर। ये देखिए, अब इसके ऊपर दोबारा से हमने ये हम मज़ेदार सा मीठा सा डिज़र्ट डाल देना। थोड़ी सी जेली ऊपर डाल देनी है इसके इस तरह करके, और एक दो आम के चंक्स रख देने। ये देखिए,
झटपट से मजेदार सा हमारा मैंगो डिजर्ट खाने के लिए तैयार हो चुका है। इसको आप फ्रिज में रख के ठंडा करिए और फिर एंजॉय करिए। वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो क्या काम करना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फ्री में वीडियो को एंजॉय करने के लिए। इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।